वेलकम टू एग्जाम मिरर। एग्जाम मिरर पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पर्यावरण के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जाए। तो सबसे पहला प्रश्न है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? तो बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? तो इसका सही ऑप्शन है वर्मी कंपोस्ट। कौन सा? वर्मी कंपोस्ट। अगला है 140, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं सारे ऑप्शंस। तो ऑप्शन नंबर एक है, मेढक फेफड़े से सांस लेता है, केचुआ त्वचा से सांस लेता है, सुमेलित नहीं है। अगर आप इसको छाटेंगे तो आप पढ़ लीजिए क्वेश्चंस को, तो पढ़ने के बाद इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, व्हेल त्वचा से सांस लेती है। ये गलत है, व्हेल गलफड़े से सांस लेती है, फेफड़े से, गलफड़े से जिसको कहते हैं, ये तो एक मछली होती है ना। अगला है, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है? कौन एक वृक्ष का उदाहरण है? ध्यान से देख लीजिए, ये तो बहुत ही ईजी है क्योंकि बाकी सब पौधे हैं, बरगद एक वृक्ष है। क्या है? वृक्ष है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक बार देख लीजिए आप लोग ध्यान से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठीय ताप पर। किस पर? पृष्ठीय ताप पर। अगला है, हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 किसके लिए दिया जाता है? तो ग्लोबल 500 दिया जाता है पर्यावरण प्रति रक्षण के लिए, पर्यावरण प्रति रक्षण के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों को संश्लेषण होता है? हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है? संश्लेषण, तो ये होता है डी और के का, विटामिन डी और के का संश्लेषण होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला है, इनकी वर्ष 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता हैं, मतलब द ओरिजिन और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के रचयिता कौन है, ये पूछ रहा है, सीधे सीधे कहने का मतलब है। तो इसके रचयिता हैं चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा अधिनियम है जो वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है? तो विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण। बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीटेट में आया भी है, ये दोबारा भी आ सकता है। अगला, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? हरित सूचकांक, तो हरित सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा ये विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, डचिगम दाची ग्राम जिसको कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मतलब दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, जो कि अब एक
केंद्र शासित राज्य हो गया है। अगला है, हमारे आसपास पाए जाने वाले निम्न जानवरों में से किस जानवर का मनोरंजन के लिए भी उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है, ये तो आप सबको पता है, बंदर का। अगला है, हमारे आसपास किस पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की बहुलता है? हमारे आसपास किसकी बहुलता है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की? तो वो है जीवाश्म ईंधन की बहुलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? ये तो पृष्ठीय ताप पर, ये तो हो गया। हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है, इसका ऑप्शन नंबर एक ये भी हो गया है। तो चलिए अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा भूमध्य सागरी वन का नाम नहीं है? भूमध्य सागरी वन का नाम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सॉरी अभी पहले से ही हो गया, तो भूमध्य सागरी वन का नाम नहीं है। इनमें से कौन सा भूमध्य सागरी वन का नाम नहीं है? ऑप्शंस को देख लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आराम से हो भी जाएगा। आप देख लीजिए ऑप्शंस को ध्यान से, भूमध्य सागरी वन का नाम नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चार, ऑप्शन चार बोरियल। क्या हो जाएगा, बोरियल, ये रहा ऑप्शन चार आपका बोरियल। ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों को की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा पहले मैग्नीटोपॉज, मेसोपॉज, स्ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सार्गेसो सागर कहाँ पाए जाते हैं, या सार्गेसो सागर कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला है, डेसिबल निम्न से किसे मापने की इकाई है? तो डेसिबल होता है किसका, ध्वनि का, ये तो इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस जल स्रोत का योगदान अधिक है? किसका सबसे अधिक योगदान है? तो किसका है, ग्लेशियर, सबसे अधिक यहीं ग्लेशियर ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, डेसिबल निम्नलिखित में से किसकी है, ये तो पता चल गया, नीचे दिए गए विकल्प में जल स्रोत का योगदान किसका है, ग्लेशियर का, ये भी हो गया। अगला देख लेते हैं, निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए, तो सही ढंग से जोड़े बनाइए, तो कालाहारी, दक्षिण अमेरिका, अटाकामा, इसको आप बना लेंगे तो ये हो जाएगा। इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ए का तीन, ए का तीन मतलब कालाहारी अफ्रीका, बी का एक अटाकामा दक्षिण अमेरिका, और थार, थार का तो पता है अफ्रीका में है, ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बस यही इतने ही क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे, बेहद अच्छे लगे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिए और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए। तो चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।